टी20 वर्ल्ड कप का रोमांच बढ़ने वाला है और रविवार को खेल प्रेमी भारत बनाम पाकिस्तान मैच का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मैच से पहले इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमीम प्रमुख हसदुद्दीन ओवैसी ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले मैच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि भारत अब पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेल रहा है। खास बात है कि भारत ने एशिया कप 2023 में भारत को पाकिस्तान नहीं भेजने का फैसला किया है। इसे लेकर ओवैसी ने मौजूदा मैच पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, अब आप पाकिस्तान के साथ कल ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच क्यों खेल रहे हैं? नहीं खेलना था, नहीं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन उनके साथ ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। क्या है यह प्यार? पाकिस्तान के साथ मत खेलो, मरेंगे या पढ़ेंगे। यूक्रेन के हालात पर सरकार की सलाह ठुकराई, भारतीय छात्रों का वतन वापसी से इनकार। उन्होंने आगे पूछा, अगर आप पाकिस्तान के साथ नहीं खेलोगे तो क्या हो जाएगा? टीवी के लिए 2000 करोड़ रुपए का नुकसान, लेकिन क्या यह भारत से ज्यादा है? छोड़ो मत खेलो, ओवैसी ने कहा। अब मुझे नहीं पता कि मैच कौन जीतेगा, लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि भारत जीते और शमी और मोहम्मद सिराज जैसे हमारे बच्चे पाकिस्तान को हराने के लिए अच्छा खेलें। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम खिलाड़ियों की ट्रोलिंग के मुद्दे को भी उठा लिया। एमीम सांसद ने कहा, लेकिन अगर भारत जीत गया तो ये लोग अपनी छाती ठोकेंगे और अगर भारत हार गया तो ये लोग खोजने लगेंगे कि गलती किसकी थी। आपकी परेशानी क्या है? यह क्रिकेट है, उन्होंने कहा। आपको हमारे हिजाब, हमारी दाढ़ी और हमारे क्रिकेट से भी दिक्कत है? क्या था मामला? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बच्ची सचिव और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख जय शाह ने कहा था कि भारतीय टीम क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। इसके बाद से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई थी। इधर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि भारतीय टीम एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगी या नहीं, इसे लेकर अंतिम फैसला गृह मंत्रालय करेगा।